ठीक है सर, टॉपिक वन डालू, प्योर रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट वर्ड का क्या मतलब होता है बताओ भाई। इसको छोड़िए, अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट कह रहा हूँ इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट कैसी है पॉजिटिव, तो सेकंड हाफ साइकिल में कैसी है नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं डीसी कह रहा हूँ इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट करंट, इसका मतलब हम कॉन्स्टेंट करंट ले रहे हैं या वेरिएबल। डीसी में, डीसी में कॉन्स्टेंट, और एसी में वेरिएबल। और वेरिएबल में भी कैसा वेरिएबल? साइन बदलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। तो पहली हेडिंग मैंने डाली प्योर रेजिस्टेंस, इसका मतलब हमने एक रेजिस्टर लगा दिया है विद एसी। सिंबल ध्यान दिया सबने, एसी का सिंबल ध्यान दिया। अगर डीसी है तो डीसी का सिंबल क्या है? बैटरी वाला, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन का मतलब पॉजिटिव, छोटी लाइन का मतलब नेगेटिव। एक मिनट बेटा, मैंने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। ठीक है सब लोग ध्यान दो, अगर मैं एसी कहता हूं तो इसमें वोल्टेज का फॉर्मूला है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें ओमेगा क्या मतलब है? एंगुलर स्पीड, ठीक है ना, जिसकी यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। और फॉर्मूला क्या ओमेगा का? 2π/T। परफेक्ट है, या फिर 2π f भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ओमेगा का फॉर्मूला मैंने बताया 2π/T या 2π f। वी नॉट का क्या मतलब है? पीक वैल्यू, वेरी गुड। पीक कह सकते हो, मैक्सिमम कह सकते हो, और एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो। ठीक, कुछ बुक्स कहती है पीक, कुछ कहती है मैक्सिमम, कुछ कहते हैं एम्पलीट्यूड। और इस वी का क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये बदलती जा रही है क्या? एज फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बदलेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी बदलती जाएगी। हाँ, इंस्टेंट वैल्यू का फॉर्मूला है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है। अब ये बताओ क्या हम V को IR कह सकते हैं ओम्स लॉ से, और V नॉट को क्या कहेंगे? I नॉट R साइन ओमेगा टी। क्या R कैंसल आउट हो गया? I की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब मैं चाहता हूँ तुम्हें दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। जिसको मैं आई नॉट कह रहा हूँ ना, कुछ बुक्स में उसको आई एम भी कहता है। एम का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? मैक्सिमम, एक ही बात है। आई एम और आई मैक्स और आई नॉट सब एक ही बात है। फेज डिफरेंस समझते हो तुम लोग? फेज डिफरेंस का मतलब एंगल में डिफरेंस। तो अगर साइन को देखो करंट वाले और वोल्टेज वाले को, तो कोई डिफरेंस है या सेम है? करंट में साइन ओमेगा टी है और वोल्टेज में भी साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब एंगल सेम है क्या? समय ध्यान दिया, फेज का मतलब एंगल, फेज डिफरेंस का मतलब एंगल में डिफरेंस। तो अगर तुम ध्यान से देखो इक्वेशन टू और इक्वेशन वन को, तो क्या वोल्टेज साइन ओमेगा टी का फंक्शन है और करंट भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, तो फेज डिफरेंस कितना लग रहा है? जीरो। तो एग्जाम में पूछ सकता है फेज डिफरेंस बताओ, इसका मतलब वोल्टेज और करंट कैसे हैं? सेम फेज में। वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज,
हाँ आर कॉन्स्टेंट, मान लो बाय चांस एग्जाम में पूछ ले ग्राफ बनाओ रेजिस्टेंस का ओमेगा के साथ, कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस हमारा ओमेगा के साथ बदलता नहीं, एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका मतलब करंट का साइन बदलता रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, और डीसी का मतलब क्या था कांस्टेंट, डायरेक्ट करंट मतलब कांस्टेंट करंट, बैटरी मतलब डीसी की बात कर रहा हूँ, और एसी का सिंबल मैंने बता दिया, ध्यान से देखो साइन का ग्राफ है क्या एसी का सिंबल, राइट ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ ग्राफ ड्रॉ करो वोल्टेज का, तो वोल्टेज किसका फंक्शन था साइन का, बस साइन वाला ग्राफ बना लेना वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट किसका फंक्शन था करंट का भी साइन का फंक्शन मिल जाएगा ठीक है ना, आई का फॉर्मूला हमारा क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी बेटा, किसी के साथ बैठो नहीं समझ में नहीं आएगा, किसी के साथ बैठू अकेले को नहीं बैठा करूँ साथ बैठो, v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी एंड i इज इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो ब्लैक वाला है ये हमारा कौन है वोल्टेज, ब्लैक वाला वोल्टेज का ग्राफ है, और करंट वाला कैसा है रेड वाला, तो क्या हमने फेज डिफरेंस जीरो लिखा था या क्या मैंने ऐसे लिखा था वोल्टेज एंड करेंट आर इन सेम फेज, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है वोल्टेज और करंट साइमल्टेनियस चलेंगे, दोनों एक टाइम पे जीरो होंगे एक टाइम पे मैक्सिमम होंगे, देखो ध्यान से, फिर से एक पर्टिकुलर टाइम पे जीरो हो जाएंगे, फिर से एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम हो जाएंगे और फिर से जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब वोल्टेज और करंट साथ साथ मैक्सिमम होंगे साथ साथ जीरो होंगे, साइमल्टेनियस समझते हो ना, साइमल्टेनियस इफेक्ट है, एक साथ वोल्टेज और करंट मैक्सिमम होगा एक साथ जीरो हो जाएंगे, लैगिंग नहीं होगी कोई आगे पीछे नहीं होगा एक साथ चलेगा, एक ग्राफ के बाद आता है फेजर, थोड़ा फेजर पे ध्यान देना, ये थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, फेजर का मतलब मेरे दिमाग में क्या है रोटेटिंग वेक्टर, लाइक हैंड ऑफ वॉच, तो वॉच में मिनट हैंड अलग होती है, आर हैंड अलग होती है, सेकंड हैंड अलग होती है, राइट, और रोटेट करती हैं, तो अगर मैं फेजर बोलता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए रोटेटिंग वेक्टर, मतलब एक ऐसी चीज जो रोटेट कर सके, तो ध्यान दो क्या हमने वी नॉट ड्रॉ करा, एंगल दिख रहा है सबको ओमेगा टी, तो क्या इस वी नॉट के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, वाई एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट आएगा कॉस या साइन, ठीक है अब फेज डिफरेंस जीरो था, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वी नॉट है क्या उसी डायरेक्शन में आई नॉट होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, और इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, कॉम्पोनेंट्स निकाले, और रोटेटिंग वेक्टर के मतलब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे वॉच की हैंड होती है वो रोटेट करती है, वैसे जो मैंने एरोज बनाए हैं वी नॉट और आई नॉट क्या ये रोटेट कर सकते हैं, ठीक है रोटेट कर सकता हूँ ना मैं, ऐसा कर रहा था कि जो एरो बनाया है वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहेगा, इसमें समझो जो बड़ी वाली रेड वाली मैंने हैंड बनाई है वो मान लो मिनट हैंड है, और जो ब्लैक कलर से बनाई है वो कौन सी हैंड है आर हैंड है, ऐसा समझ, तो ये नया कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान देना फेजर पे, आगे काफी काम आएगा ये।
बहुत क्लियरली मैं बोलना चाह रहा हूँ, प्योर रेजिस्टेंस के केस में फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो। जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा, ये बात समझाना चाह रहा हूँ। हाँ सेम डायरेक्शन में, ये कहना चाह रहा हूँ। सेम फेज का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में भी उसी डायरेक्शन में आई। अगर ये नोट होगा तो आगे बढ़े। हो गया ठीक है। अब इस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट बता लिखना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं अगर किसी वायर में मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो क्या वो वायर हीट अप हो सकता है? एक बात बोली, एक वायर में मैंने डीसी फ्लो कराई, तुमने किसी दूसरे वायर में क्या फ्लो कराई? एसी ठीक है। एसी का मतलब हमने बहुत क्लियरली देखा, एसी कैसा होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव ठीक। और मैंने क्या फ्लो कराई थी? डीसी। डीसी का मतलब कॉन्स्टेंट करंट। तो मैंने बोला किसी वायर में एसी फ्लो कराओ या डीसी फ्लो कराओ, अगर उसकी हीट इक्वल है, ध्यान देना मैंने हीट इक्वल करी है क्या ठीक है, अगर हीट एसी और हीट डीसी इक्वल हो जाए तब उस पर्टिकुलर करंट को हम क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब मैंने जो ग्राफ टू बनाया है नीचे वाला, ध्यान से देखो इसमें करंट कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट करंट होगी ठीक है। मैं थोड़ा और डिटेल बताता हूँ। पहले बताओ क्या हीट का हमें कोई फॉर्मूला पता है? आई स्क्वायर आर टी। बताओ भाई सब लोग बताए ऐसा फॉर्मूला? चैप्टर थ्री में था, हीट के तीन फॉर्मूले थे, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर बाई आर टी। तो जो डी सी है उसमें हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। ए सी में मैंने आई स्क्वायर आर डी टी क्यों लिखा? क्योंकि वेरिएबल है और वेरिएबल से उनके मुझे क्या समझ में आ रहा है? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सही बात है। और कितने टाइम के लिए इंटीग्रेट करूँगा? जीरो से टी तक के लिए, वन साइकिल के लिए। जीरो से टी का मतलब समझ में आया? जीरो से टी का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ वन साइकिल। और ध्यान से देखना मैंने इस बहुत क्लियरली डिफाइन करा है, जो एसी में आई लिखा है वो कौन सी करंट है? इंस्टेंटेनियस। और जो डीसी में लिखा है वो कौन सी करंट है? आरएमएस। आप कोई आइडिया क्या करना चाहिए मुझे? हाँ हाँ वैल्यू डालेंगे। अब आई की वैल्यू कितना पता है हमें एसी में? I not sin omega t, the whole square भी है क्या? क्या हम r cancel कर सकते हैं ऐसे? बताओ भाई, ठीक लिखा है मैंने? Left side में क्या बचा है? I square t, और I कौन सा? RMS, ठीक है। I not square बाहर आ गया, sin square omega t को मैं integrate करके दिखाऊंगा या कर लोगे? करके दिखाऊं या ठीक है? अच्छा मैं करके दिखाता हूँ, मैं भी करके दिखा दूंगा। अभी मैंने लिखा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करोगे और लिमिट लगाओगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? टी बाई टू। कैसा है वो भी करके दिखा दूंगा। क्या टी से टी कैंसिल हो जाएगा? तो आई आर एम एस कितना आ गया? आई नॉट बाई रूट टू। वैसे अगर तुम वोल्टेज में कहते हो वी आर एम एस तो मुझे क्या लिखना चाहिए? वी नॉट वैल्यू। और वो मैं इंटीग्रेशन भी करके दिखा दे रहा हूं, कर देता हूं, मैं कर देता हूं। तो ये टी बाई टू समझ में आया मैंने क्या लिखा है? मैं ऐसे लिख देता हूं, ऑन इंटीग्रेटिंग एंड पुटिंग लिमिट।
on integrating and putting limit. इसका मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जीरो से टी तक अगर सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा टी बाई टू आएगी. चेक कर लेते हैं अगले पेज में कैसे आया. ये नोट हो गया तो मैं बताऊं इंटीग्रेशन कैसे करा मैंने. ठीक है नोट करो प्रति रह गया तुम्हारा लगता है जल्दी से नोट करो. बिल्कुल वैसे ही चलेगा सेम चलेगा. हीट डीसी इक्वल टू हीट एसी. जैसे आई आरएमएस के लिए मैंने आई स्क्वायर आरटी डाला था. अब वोल्टेज के लिए क्या लिखूंगा वी स्क्वायर बाई आर. आई नॉट इंस्टेंटेनियस वाली कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती. आई नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में टी बाई टू और फिर टी से टी मैंने कैंसिल कर दिया और साइड में क्या ऑन इंटीग्रेटिंग एंड पुटिंग लिमिट. जैसे मैंने करंट का करा वैसे तुम किसका कर सकते हो वोल्टेज का. अच्छा सॉरी यहाँ पे एच डी सी इक्वल टू एच ए सी. वोल्टेज में भी एच हीट डी सी इक्वल टू हीट ए सी कॉन्सेप्ट लगाओगे तो वोल्टेज भी आ जाएंगे. लेफ्ट वाला आरएमएस वोल्टेज और राइट वाला हमारा कौन सा है इंस्टेंटेनियस. नहीं जहां पर मैंने वी लिखा है बस तुमको वहां क्या लिखना है आई. आई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है तो अपना मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इंटीग्रेशन करा कैसे. पहले ये बताओ क्या तुम लोग ये फॉर्मूला समझते हो कॉस टू थीटा. समझते हो तुम लोग. तो अगर मैं कॉस टू ओमेगा टी लिखता हूँ इसका मतलब क्या है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा. सही बात है. अब मैं चाहता हूँ इसको क्या करना इंटीग्रेट कर किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट. यह एक स्टेप रूप में और चेंज कर देता हूँ. पहले ट्रांसफर कर देता हूँ फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे. पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी ही निकाल लेते हैं. तो क्या मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कह सकता हूँ वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू कह सकते हो सर. ठीक है क्या इसको ऐसा कह सकते हैं वन बाई टू माइनस वन बाई टू कॉस टू ओमेगा टी. ठीक है अब मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का मतलब है इंटीग्रेशन वन बाई टू डी टी माइनस वन बाई टू कॉस टू ओमेगा टी डी टी और लिमिट हम लोग क्या लगाना चाहते हैं जीरो से टी. तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी और कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन परफेक्ट है साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा. अब क्या लिमिट अप्लाई करूं ये तो बन जाएगा टी माइनस जीरो राइट में बन जाएगा वन बाई फोर ओमेगा साइन टू ओमेगा. ध्यान देना मैंने ओमेगा क्या करा ओपन कर दिया क्या ओमेगा को माइनस साइन जीरो. ठीक है ऐसा बन गया ये टी बाई टू माइनस वन बाई फोर ओमेगा साइन फोर पाई कितना होता है जीरो और साइन जीरो बी जीरो कितना आ गया टी बाई टू. ठीक है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन वन साइकिल के लिए कितना आता है टी बाई टू.
ये सबको समझ में आया कि मैंने लास्ट स्टेप में ध्यान दिया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली दिया था क्या टी बाई टू, ठीक है। अगर तुम लोगों को इन क्लासेस के नोट्स चाहिए तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं भेज दूंगा, बता देना। अब देखो मैं इस कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली समझाऊं, क्या बताया मैंने, मैंने ये ग्राफ ड्रॉ करा है करंट का, ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। तो क्या ग्राफ में तुम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आई नॉट कौन है, बताओ भी, ठीक है। करंट को जीरो से लेकर आई नॉट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, थ्री बाई फोर, और मैक्सिमम से जीरो तक, हाँ मैक्सिमम से जीरो तक टी बाई फोर, नोटिस करना मैंने क्या बोला, जीरो से मैक्सिमम टी बाई फोर और मैक्सिमम से जीरो टी बाई फोर। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ए से बी तक कितना टाइम लगा, टी बाई फोर, और बी टू सी तक कितना लगा, टी बाई फोर, ए टू सी तक कितना लगा, टी बाई टू, ऐड कर दिया मैंने टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर। वैसे ही सी से लेकर डी तक टी बाई फोर फिर से लगेगा, क्या ये थ्री टी बाई फोर हो जाएगा, और डी से लेकर ई तक फिर से टी बाई फोर और हो जाएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा टी। तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है करंट को जीरो से लेकर आई नॉट तक होने में कितना टाइम लगेगा, टी बाई फोर। तो इस ग्राफ में जो आई है इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है राइट। अब देखो मैंने रेड कलर से एक और लाइन ड्रॉ करी है, क्या ये हमारी कौन सी करंट है, आई आर एम एस, जिसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, आई नॉट बाई टू, डिवाइड करके देखो कहीं 0.707 तो नहीं आ रहा है, देख लो करके 0.707 का मतलब है 70% ऑफ आई नॉट। इसका मतलब जो ग्राफ में मैं आई आर एम एस शो करूंगा वो आई नॉट से ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। और आर एम एस करंट हमारी एसी करंट थी या डीसी करंट थी, आई आर एम एस तो एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, डीसी थी कॉन्स्टेंट। इससे जो मैंने रेड कलर का ग्राफ ड्रॉ करा है वो वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी है, आई नॉट बाई रूट टू। अगर मुझसे पूछता है जीरो से लेकर के आई आर एम एस तक कितना टाइम लगेगा, तो टाइम होता है टी बाई एट। चलो ध्यान दो, क्या मैंने टी बाई एट डिफाइन करा, जीरो से आर एम एस कितना टाइम है टी बाई एट, और आर एम एस से आई नॉट कितना टाइम है वो भी टी बाई एट है। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या हमारे पास फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई को मैं पुट करना चाहता हूँ आई नॉट बाई रूट टू आर एम एस वैल्यू के लिए, ठीक है, तो क्या ये वन बाई रूट टू आ गया, वन बाई रूट टू का मतलब क्या होता है, साइन वन बाई रूट टू कब होता है, 45 डिग्री पे, और रेडियन में पाई बाई फोर। ओमेगा का मतलब क्या है, टू पाई बाई टी, तो क्या पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो थोड़ा ध्यान दो कैलकुलेशन में, टी वन कितना आ गया, टी बाई एट। इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है करंट को जीरो से लेकर आर एम एस होने तक कितना टाइम लगेगा, टी बाई एट, और आर एम एस से आई नॉट तक होने में भी टी बाई एट। कोई सेम फॉर्मूला लगा के देखो, जो मैंने आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डाला, इसमें आई को आई नॉट डाल दो, देखो कितना आता है।
करके दिखा देता हूँ, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था, इस बार आई को मैं क्या पुट करना चाहता हूँ, आई नॉट, आई नॉट साइन आउट कट गया, वन आ गया, साइन वन कब होता है, पाई बाई टू पर, ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाई टी, देखो टी बाई फोर आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब ये रिजल्ट होते हैं, जीरो से टी आई नॉट टी बाई फोर, जीरो से आई आर मिस टी बाई एट, एंड आई आर मिस टू आई नॉट अगेन टी बाई एट, मैंने नाम दे दिया उस टी को टी टू, टी टू मतलब बस जस्ट नेम दिया है, टी टू टी थ्री टी फोर कुछ भी कह दो। देखो मैं समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक मिनट ये समझा दो फिर दोबारा नोट कर लेना। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्या तुम लोगों को ये फर्स्ट हाफ साइकिल दिख रहा है, फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब जीरो से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ, टी बाई टू, क्या इसका मिड पॉइंट दिख रहा है, तो इस मिड पॉइंट का टाइम कितना होना चाहिए, टी बाई फोर, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई नॉट, ठीक है, वैसे मैंने बोला जैसे आई नॉट है वैसे मेरे पास एक और वैल्यू है क्या, आई आर एम एस, तो आई आर एम एस तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है हमें, टी बाई एट, और आई आर एम एस से आई नॉट तक होने में, इसको मैंने टी थ्री नाम दे दिया सपोज, तो क्या टी बाई एट प्लस टी थ्री को टी बाई फोर कहना चाहिए, तो टी थ्री कितना आएगा, टी बाई फोर माइनस टी बाई एट, ऐसे हम ले लो, क्या टी थ्री आ गया टी बाई एट, इसको एज अ रिजल्ट मैंने बताया जीरो से आई नॉट कितना टाइम है, टी बाई फोर, जीरो से आई नॉट बाई रूट टू कितना टाइम है, टी बाई एट, और आई नॉट से आई नॉट बाई रूट टू से आई नॉट कितना टाइम है, टी बाई एट, ये सब सॉल्व करके आ रहे तुम, मैं कहता नहीं मेरी बात ध्यान सुनोगे तो मैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखेगा, इसमें बहुत सारी बातें बुक में मिलती थोड़ी नहीं, एग्जाम में सीधा दिखता है, फिर लोग सोच नहीं पाते क्या कर रहा है, ध्यान सुनोगे तो तुम्हें दिखेगा कि मैंने बहुत आसानी से बता दिया, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया कॉन्सेप्ट, एक ही फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बस उसमें डालते जाओ वैल्यूज आती जाएंगी। अगर हमें जीरो से मैक्सिमम तक जाना है तो टी बाई फोर, जीरो से आर एम एस तक जाना है तो टी बाई एट, और आर एम एस से आई नॉट तक जाना है तब भी टी बाई एट, अगर कभी न्यूमेरिकल आता और बोलता है एक रेजिस्टर है 220 वोल्ट पे लगाया गया और कुछ नहीं बताता तो हमेशा वो वोल्टेज कैसा मानोगे, आरएमएस, आरएमएस रूल है ये, फिर वहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं लिख देता हूँ, मैंने बोला सपोज कोई क्वेश्चन आया जिसमें बोला रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, करंट कितनी है 5 ओम, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, और कुछ नहीं बताया, तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर कुछ नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट इसको हमेशा हम कौन सी वैल्यूज मानेंगे, आरएमएस, लिख लो नहीं फिर न्यूमेरिकल्स में तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा, बाय डिफॉल्ट हमेशा आरएमएस वैल्यूज होती हैं, आर तो आर होता है, प्योर रेजिस्टेंस का मतलब था खाली रजिस्टर लगाया, कैपेसिटर वगैरह नहीं लगाया, मतलब अभी कॉम्बिनेशन भी लगाएंगे ना,
लेफ्ट में 1/√2 लिखा है, ठीक बात है ना। अब जो ये 1/√2 लिखा है, क्या इसको मैं साइन 45 कह सकता हूँ? तो 45 किसके इक्वल आ गया, हाँ मतलब यहाँ से तो 45 को मैंने क्या लिख दिया, 5/4, और राइट से क्या बचा, ओमेगा टी, और ओमेगा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, तो डाल दिया 2π/T, और स्मॉल टी को पर्टिकुलर नाम दे दिया T1, समझाने डिस्टिंग्विश करने के लिए ये एक पर्टिकुलर टाइम है T1। वैसे लेफ्ट में जो सॉल्व करा उसको एक पर्टिकुलर नाम नाम दे दिया T2। वैसे IR में से I0 को मैंने नाम दे दिया T3। टी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारे ये याद थोड़ी रहता T1 कौन है T2 कौन है, वो तो एग्जाम में अपने हिसाब से कुछ भी नेमिंग कर, नेमिंग इंपॉर्टेंट बात नहीं, कॉन्सेप्ट की बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ 0 to maximum T/4, 0 to RMS T/8, RMS से मैक्सिमम T/8, इन पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम। और मैंने ये भी बहुत क्लियरली बोला, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में बोलता है 10 एम्पियर और कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये कौन सी करंट है, RMS हमेशा अगर RMS नहीं होगी तो वो क्या मिलेगा, नहीं फिर नाम देगा, नाम दे देगा, 99% क्वेश्चन में RMS होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, Why 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC? Why 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC? फिजिक्स में तो जो कम टाइम देते हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है, और कॉन्सेप्ट तो करने से आता है। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर हम एसी की बात करते हैं तो जो ये 220 वोल्ट मैं कह रहा हूँ ये कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस, मैंने बताया था कुछ नहीं मेंशन है तो आरएमएस है। क्या अभी आरएमएस को V0/√2 कह सकते हैं, सही है, तो V0 कितना आ गया 220√2, जिसका मतलब है 311। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ एसी में आरएमएस वैल्यू कितनी है 220, पर पीक वैल्यू कितनी है 311, सही। अब डीसी की बात करता हूँ, कितना वोल्ट बोला है 220 वोल्ट, ये कौन सी वैल्यू है आरएमएस, और पीक वैल्यू कितनी होगी वो भी 220 रहेगी। इसका मतलब डीसी में आरएमएस और वी नॉट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये समझने वाली बात है। डीसी में चाहे आरएमएस बोलो चाहे वी नोट बोलो एक ही बात है। तो इस एग्जांपल से तुमको ये समझ में आना चाहिए डीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 220, और एसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 311। तो एसी की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है, इसे शॉक डेंजरस होगा, अगर शॉक किसी को एसी से लगता है और डीसी से लगता है तो डीसी का शॉक ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए ज्यादा डेंजरस है, डेथ हो सकती है। 220 वोल्ट तो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, राइट, मतलब अगर डीसी से शॉक लगे और एसी से लगे तो सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा किस में है, डीसी में, एसी में वो 311 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। आई होप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है, मैंने बहुत क्लियरली बताया है। अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस कितना है 0, देख लो ग्राफ को, ओमेगा बदलने पर रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V नॉट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड, V का मतलब क्या है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी में V का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सही। फिर हमने ग्राफ में ये देखा कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ साइमल्टेनियस है क्या, एक साथ ज्यादा एक साथ कम, फिर फेजर डायग्राम दिखाया मैंने, जिस डायरेक्शन में वी नॉट है उसी डायरेक्शन में आई नॉट है। उसके बाद मैंने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोला, जिसको मैं रूट मीन बोलता हूँ, कई बुक्स में इसको इफेक्टिव भी कहता है, एक ही बात है, या फिर कई बुक्स में वर्चुअल भी कहता है, वर्चुअल इफेक्टिव आरएमएस सब एक ही बात है।
मैंने तीन बातें बोली, आरएमएस, इफेक्टिव और वर्चुअल, एक ही बात है। डीसी में हम डिस्टिंग्विश नहीं करते, डीसी कांस्टेंट है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए चैप्टर थ्री में मैंने कभी नाम नहीं लिया उसका। चैप्टर थ्री में मैं कहाँ कुछ बोलता हूँ, मतलब कहता हूँ वोल्टेज है बस बात करता, अभी वहाँ कुछ बोलते थोड़ी नहीं कौन सा वोल्टेज। एसी में डिस्टिंग्विश होता है, इसलिए एसी में जरूरी है कि वी नॉट क्या और वी आरएमएस क्या है पता होना चाहिए, डीसी में एक ही बात है। ठीक है, और एसी और डीसी में हमने देखा कौन ज्यादा डेंजरस है, एसी। अब जैसे ओम्स लॉ लिखना है, मान लो मुझे एसी में, तो अगर मैंने लिखा V इक्वल टू आई आर, तो अगर तुमने I नॉट वैल्यू पुट करी है तो कौन सा वोल्टेज मिलेगा, ये V नॉट मिलेगा। और आई आर में अगर तुमने I कौन सा पुट करा है, आर एम एस, तो फिर V कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है। अगर I नॉट यूज कर रहे हो तो फिर V नॉट आएगा, और अगर आई आर एम एस यूज कर रहे हो तो फिर V आर एम एस आएगा, क्वेश्चन में बोलेगा। फाइंड वोल्टेज एंड फाइंड मैक्सिमम वोल्टेज, तो अगर फाइंड वोल्टेज कहता है तो किसकी बात कर रहा है, आरएमएस की। फाइंड वोल्टेज मतलब आरएमएस, फाइंड मैक्सिमम वोल्टेज तो किसकी बात कर रहा है, तब वी नॉट की बात कर रहा है, उल्टा समझ जैसे कि क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट डेरिवेशन आती लिख लो 2 मार्क्स में। शो दैट एवरेज पावर लॉस इन प्योर रेजिस्टेंस इज आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू और आई स्क्वायर आर। हमें क्या प्रूव करना है, एवरेज पावर लॉस कितना होता है, आई नॉट स्क्वायर आर बाय टू या आई स्क्वायर आर, ये मैं प्रूव कर लूं। हमने लिखा शो दैट एवरेज पावर लॉस इन प्योर रेजिस्टेंस ठीक है। तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इंस्टेंटेनियस पावर लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो इंस्टेंटेनियस पावर लॉस में आई स्क्वायर आर में ये आई कौन सी है, आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस। डेरिवेशन ध्यान से देखना, नहीं तो बाद में तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर इंस्टेंटेनियस पावर बोला है तो फिर कौन सी करंट लेनी है, तब इंस्टेंटेनियस करंट लेनी, जिसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सही है, क्या पावर को डी डब्ल्यू बाई डी टी कह सकते हैं, तो डी डब्ल्यू कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। टॉपिक को ध्यान से देखना, नहीं तो तुम्हें बाद में लगेगा सब मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, तो ध्यान से देखना कि मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट 1 साइकिल के लिए, तो 1 साइकिल के लिए मेरे पास डब्ल्यू टोटल कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर, क्या अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताया था, 3/2 याद है। सही है, एवरेज पावर का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हमारा टोटल टाइम कितना था, कैपिटल टी, टी से टी गया, एवरेज पावर कितनी आ गई, आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, ये मैं प्रूव करना था।
इसको क्या मैं आई नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर कह सकता हूँ? और आई नॉट बाई रूट टू कौन था? आई आर एम एक्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखना, आता वैसे में लगेगा सारे फॉर्मूले में एक जैसे बोल रहा हूँ। किसी भी टॉपिक की डेरिवेशन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। इसमें हमें पहले पढ़ना है प्योर आर, फिर हम पढ़ेंगे प्योर सी, फिर हम पढ़ेंगे प्योर एल, फिर पढ़ेंगे एलसीआर सीरीज, मतलब कई केसेस बनेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी डेरिवेशन ध्यान से देखते जाओ, अदरवाइज तुम्हें सब बाद में लगेगा एक ही बात बोल रहा हूँ मैं। मैंने जैसे इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या बोला? आई स्क्वायर आर। और एवरेज पावर का भी फॉर्मूला क्या बोला? आई स्क्वायर आर। बट फर्क है, इंस्टेंटेनियस पावर में आई स्क्वायर आर में आई कौन है? आई इंस्टेंटेनियस है। और एवरेज पावर में आई स्क्वायर आर में कौन है? आई आर एम एस। और अगर जब मैं आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू कह रहा हूँ तो फिर आई कौन है मैक्सिमम? देखो अगर मैं आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू कह रहा हूँ तो फिर आई नॉट कौन है मैक्सिमम? ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था चैप्टर 6 की एक्सरसाइज में, अगर तुम लोगों ने सॉल्व करोगे तो मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम नहीं, एवरेज का मतलब होता है 0 से लेकर टी के बीच का ओवरऑल वैल्यू। मैक्सिमम पावर तब होगी जब करंट मैक्सिमम हो, तो वो इंस्टेंटेनियस पावर होगी। अगर तुम मैक्सिमम पावर करे तो फिर वो इंस्टेंटेनियस पावर होगी। I not by root 2 में I not maximum, ठीक आगे बढ़े, ठीक है। आज टॉपिक 2 डालो नेक्स्ट, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर डालो, प्योर कैपेसिटर। इसका ना मैंने बोला 3 टॉपिक में पढ़ाऊंगा, प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर इंडिविजुअली, फिर इसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो पहले इंडिविजुअली गेन कर लो कॉन्सेप्ट, फिर आगे बढ़ते। इस बार मैंने क्या करा है, कैपेसिटर यूज करा और इनपुट में क्या लगाया है एसी। तो एसी में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। कैपेसिटर में चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? और वी का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या मैं करंट निकाल सकता हूँ किसी तरीके से? क्या करना चाहिए बताओ? मुझे लगता है डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, चार्ज से करंट निकालना मतलब डिफरेंशिएट कर दो। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ भाई? कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा या इंटू ओमेगा? इंटू ओमेगा। dq by dt कौन है? आई सी वी नॉट ओमेगा को मैंने नाम अभी एज्यूम कर लिया है कि आई नॉट है, ध्यान दिया, मैंने एज्यूम कर लिया है सी वी नॉट ओमेगा को एक नाम दे दिया आई नॉट। अब मुझे दिख रहा है cos ओमेगा t। अब थोड़ा सा तुम्हें यहाँ कंफ्यूजन होना चाहिए कि cos थीटा को हम sin 90 प्लस थीटा भी कह सकते हैं और 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने 90 माइनस ओमेगा टी को कट क्यों कर दिया? उसका रीजन सुनना ध्यान से, उसका रीजन है जो इक्वेशन 1 है उसमें ओमेगा टी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, समझ में आया मैंने क्या बोला? इक्वेशन 1 में साइन ओमेगा टी पॉजिटिव है, तो जो हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे उसमें भी ओमेगा टी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इससे मैंने माइनस वाले को कट कर दिया, तो क्या मेरे पास फॉर्मूला बन गया? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, ये डेरिवेशन आती है, 2 में से एक डेरिवेशन पक्का आएगी एग्जाम 2 मार्क्स में, या तो कैपेसिटर वाली आती है या इंडक्टर वाली आती है।
मैथमेटिकली गलत नहीं, मैथमेटिकली गलत नहीं, डेरिवेशन में इसलिए गलत है क्योंकि जब भी हम फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो रूल है कि जैसा ओमेगा टी का फॉर्म हो इक्वेशन वन में वैसा ही ओमेगा टी का फॉर्म बनाओ इक्वेशन टू में। इसका अगर इक्वेशन वन में ये साइन माइनस ओमेगा टी होता तो फिर माइनस वाला मैं यूज करता, आएगा भी आगे आएगा देखने आएगा वो, मतलब इसमें डाउट आता ना कि माइनस यूज करो या प्लस यूज करो, तो उसका रीजन मैंने बताया कि प्लस क्यों यूज करा, क्योंकि माइनस वाला मुझे नहीं चाहिए, और कहीं अगर मैं माइनस वाला यूज करूंगा तो उसका भी रीजन बताऊंगा। ठीक है हाँ बेटा, हाँ या इंस्टेंटेनियस। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग ध्यान से इक्वेशन वन और टू को देखो, और मैंने कहा था फेज डिफरेंस का मतलब होता है इक्वेशन वन और टू में जो साइन का फंक्शन है उनके एंगल में डिफरेंस। तो इक्वेशन वन में एंगल कितना दिख रहा है मुझे, ओमेगा टी, और इक्वेशन टू में ओमेगा टी प्लस, तो क्या बहुत क्लियरली ये दिख कह सकते हैं हम, आई लीड वी बाई पाई पाई और वोल्टेज लैग्स बिहाइंड आई बाई पाई पाई। देखो तुम लोग शांति से बैठे तो कितना तेजी से टॉपिक चल रहा है देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाएंगे, ये फायदा होता है बैठ के सुनने से, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर होंगे, जितना जल्दी टॉपिक कवर होगा उतना ज्यादा तुमको टाइम मिलेगा डाउट पूछने का, उतना जल्दी कोर्स कवर होगा, उतना ज्यादा क्लियरिटी भी आती है थॉट पे। मैंने बहुत क्लियरली बोला इक्वेशन वन और टू को देखकर मुझे लगता है करेंट लीड वोल्टेज बाई पाई बाई टू और वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करेंट बाई पाई बाई टू। ठीक है ये इंपॉर्टेंट बात ही सब काम आएगी भी आगे। देखो देखो जब भी मैं साइन कॉस लिखूंगा वो हमेशा वी का मतलब इंस्टेंटेनियस, पर वी नॉट जहां नॉट लगा दिया मैक्सिमम कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा किसी भी टॉपिक में, ये बात नहीं बदलेगी। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मेरे पढ़ाने के पैटर्न में अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो कभी बदलेगा नहीं, चैप्टर वन में जो मैं बोलूंगा चैप्टर 15 तक वही चलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। मैं एक पर्टिकुलर टर्म को लेता हूँ उसी को फॉलो करता हूँ हमेशा। चैप्टर फोर में देखो मैंने इसका मैं सारे क्वेश्चन किससे करता हूँ, राइट हैंड रूल, मुझे तो आते सारे रूल होंगे, मैं सारे रूल से सिखा सकता हूँ, बट मैं करता सारे क्वेश्चन एक ही रूल से। उसका रीजन क्या है कि अगर एक रूल पर तुमने अच्छे से पकड़ बना ली तो हर जगह सॉल्व हो जाएगा, हर जगह। ठीक है आगे बढ़े। ठीक है तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा हेल्प मिल सकती है याद करने में। पिक्स पिक से मैंने क्या याद कर लिया, पी से मैंने याद कर लिया पॉजिटिव मतलब प्लस आई प्लस पाई बाई टू, किसके फॉर्मूले में करना है, कैपेसिटर करंट वाले फॉर्मूले में, किसके करंट वाले फॉर्मूले में, कैपेसिटर के। तो शायद इससे तुम्हें एग्जाम में हेल्प हो जाए। प्लस पाई बाई टू करंट वाले फॉर्मूले में करना है कैपेसिटर के, यानी कैपेसिटर के फॉर्मूले में आई वाले में प्लस पाई बाई टू आना ही चाहिए। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कुछ गड़बड़ कर दी तुमने। ठीक है अब देखो मैं और क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर ये नोट हो गया होता हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या हमने आई नॉट पुट किया था, किसकी जगह पुट किया था, सी वी नॉट ओमेगा। ठीक है ठीक है अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ और चाहता हूँ ध्यान से सुन लो, ओम्स लॉ इन कैपेसिटर कैसे लगाते हैं, क्या ओम्स लॉ हमें पता है, V इज इक्वल टू आई आर पता है ना। तो क्या मैंने बहुत क्लियरली बोला था अगर V नॉट है तो I नॉट है, पर ध्यान दो इस बार मैं R नहीं लिख रहा हूँ, XC लिख रहा हूँ। XC का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यूनिट ओम ओम्स लॉ इन कैपेसिटर इन एसी ऐसा कह लेते हैं, ओम्स लॉ इन कैपेसिटर इन एसी, यानी एसी के लिए ओम्स लॉ ऐसा चलता है, V इज इक्वल टू आई आर की जगह क्या लिखोगे, V इक्वल टू आई एक्स सी, और एक्स सी कौन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हाँ
हाँ उसमें मैं कुछ पुट करना चाह रहा था, मैं पुट करना चाह रहा था वी नॉट की वैल्यू। तो ध्यान दो, मैं वी नॉट को क्या पुट करने वाला हूँ, आई नॉट एक्स सी। ठीक है, आई नॉट से आई नॉट गया और एक्स सी कितना हो गया, रेजिस्टेंस टाइप का ही है, बस रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसका नाम क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह सकती हूँ लाइक रेजिस्टेंस। ये देखो तो मैंने यूनिट बताई ना ओम, पर इस एक्सी में क्या खास बात है, ये एसी के लिए अलग चलता है, डीसी के लिए अलग चलता है। रेजिस्टेंस डिस्टिंग्विश नहीं करता कि एसी आ रही है या डीसी आ रही है, एक ही बात है, कैपेसिटर डिस्टिंग्विश करता है। कैपेसिटर का बिहेवियर एसी के लिए अलग है, डीसी के लिए अलग है। ठीक है, अब अगर तुम लोग ध्यान दो, एक्सी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 1/C ओमेगा। तो क्या एग्जाम में ग्राफ भी पूछ सकता है, बताओ भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला राइट, सबको दिखा, सी जितना गया ज्यादा करोगे एक्सी उतना कम हो। ओमेगा के साथ कैसा ग्राफ बनेगा, इनवर्स मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब तुम लोगों को कमाल की बात यहाँ ये देखनी चाहिए, डीसी कांस्टेंट होती है या वेरिएबल, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन का ओमेगा कितना होता है, जीरो। एक्स सी कितना आ गया, इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कैपेसिटर लॉग डीसी। इसका मतलब डीसी करंट कैपेसिटर से पास नहीं हुई, डीसी करंट कैपेसिटर से पास नहीं हुई। नोट करो इसको, नोट करो, बेचारा आपने क्या बात करते हो, पास नहीं हो गया ना, पास अभी थोड़ी पढ़ा, नहीं नहीं बस हो गया, क्लास खत्म हो गई मेरे बैठे। सबने नोट कर लिए, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो आप?